बाराबंकी से हैं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर मैम। बहुत दिन में बात कर रहे हैं। सर वो हम ना सर से बात कराइए जरा। हम वो दवा खा रहे हैं, हाँ हम दवा खा रहे हैं जैतून का नमक, वो जैतून का नमक कहते हैं धनिया के साथ, और ये प्याज गोल लेते हैं अलसी के साथ। जी ये दोनों ने, लेकिन मैं पैर का दर्द नहीं ठीक हो पा रहा। पहले तो ठीक हो गया था, एक 3-4 महीने से फिर हम वॉकर से चलने लगे हैं। दर्द कम ही नहीं पा पा रहा किसी तरह से भी, और एक पैर में जैसे एक पैर में बहुत उलझन लगती है, नीचे चलने में बहुत गर्म लगता है। बाएं पैर में दर्द भी ज्यादा है, बाएं पैर से उलझन भी ज्यादा लगता है। आपका वजन कितना होगा? वजन होगा लगभग 70, 70 के लगभग होगा कम से कम। ठीक है ठीक है। और देखिए, एक बार गया तो दोबारा भी जाना चाहिए। मैं जो हिदायत बताता हूँ, अगर वो भी आप उस पर भी अमल कर रहे हैं तो याद रखें कि ऐसा दर्द बार बार आपको आ सकता है अगर आप मेहनत का काम नहीं छोड़ेंगे। इलाज के दौरान मेहनत का काम जैसे झाड़ू पोछा या वज़न उठाने का काम बिल्कुल ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट अपनी ज़रूरत में ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ ज़रूर करें, और भगवान से मदद ज़रूर मांगें। जिसने एक बार आपको फ़ायदा दिया वो दोबारा भी फ़ायदा दे सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई कमी हो रही है तो उसे गौर करें और दवा न छोड़ें, आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा होना मुमकिन है।